हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल को बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो जो 12th के स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी फिनॉल एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। एंड बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, इस यूनिट के और भी नोट्स आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो मोनोहाइड्रिक फिनॉल करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल में भी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में केवल एक OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, इसलिए हम इसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। और इसी मोनोहाइड्रिक फिनॉल को हम केवल फिनॉल भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आता है तो आप ये तो लिखोगे ही, लेकिन अगर बाई चांस मोनोहाइड्रिक फिनॉल का प्रिपरेशन आता है तो भी आप लोगों को जो है यही लिखना है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक फिनॉल को भी हम फिनॉल ही कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, मतलब फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो है वो कैसे फिनॉल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा इसका फॉर्मूला बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है बेंजीन, उसमें यहाँ पे लगा है SO3H। SO3 में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम NaOH के प्रेजेंस में इसे गर्म करते हैं या दोनों को एक साथ मिलाकर जब हम इसे गलाते हैं या गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो है वो सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल आप लोगों का जो है वो रिलीज होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे यहाँ से वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो गाइस, ध्यान से समझिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, और अगर इसे आप अच्छे से समझ गए तो आपको इसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3। SO3 में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, और H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। NaOH के प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करते हैं या हम इसे गलाते हैं तो क्या होगा, Na में देख रहे हो इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है, मतलब H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों H और OH जो है वो आपस में जुड़ करके वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, मतलब H2O, और यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा, मतलब ये जो H2O है यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका Na प्लस जो है वो बच गया है, इस SO3 के साथ आकर के यहाँ पे जो है वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्रकार से हमारा सेकंड कंपाउंड जो है वो प्राप्त होगा, SO3 के साथ आकर के जो Na प्लस है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गया है। सो इस बहुत ही सिंपल है, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया, तो यहाँ से हमारा H प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ करके वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड जो है वो बन जाता है। तो अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, SO3 माइनस और Na प्लस। अब हम इसे फिर हाई टेम्परेचर पे दो NaOH के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है वो इसे गर्म करेंगे। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो दो NaOH हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज किया हुआ है। फिर जब इसका आपस में रिएक्शन होगा तब क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसे आपस में रिएक्ट कराएंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा जो NaOH और NaOH है, तो इसमें से जो OH और H है वो वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में फिर से यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। इतना समझ आएगा इस आप लोगों को, ये जो इसका OH है और इसका जो H है वो आपस में जुड़ करके जो है वो H2O बना लेंगे और H2O यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगा। इतना हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो SO3 माइनस और Na प्लस जो है वो प्रेजेंट है, तो इसमें का जो Na है वो एक Na जो है वो इनके साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा और आपका बन जाएगा Na2, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक Na ये हो गया और दूसरा Na ये हो गया, तो क्या हुआ Na2SO3, मतलब Na2SO3 यहाँ पे कंबाइन होकर के फिर से यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या क्या निकल चुका है, Na भी निकल चुका है, क्योंकि Na जो है वो इसके पास जाके जो है वो जुड़ चुके हैं, और ये जो OH और H है वो भी वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। हमारे पास क्या बच गया, NaO, केवल हमारे पास NaO जो है वो बच गया। तो ये क्या होगा, ये जो NaO है वो इस यहाँ पे जो है वो आकर के बेंजीन रिंग के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा सोडियम फिनेट। यहाँ पे आप देख रहे हो ओ Na,
ये सारा चीज जो है वो रिलीज हो चुका है, यहाँ से जो है वो माइनस हो चुका है। जब हम इसे NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ जो है वो गर्म करते हैं तो ये सारा चीज जो है वो रिलीज हो चुका है और आपके पास केवल बच गया है ONa, जिसे हम कहते हैं सोडियम। देखते हैं सोडियम फिनेट का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो कराते हैं, इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा। हमें पता है जो HCl H में जो है पॉजिटिव चार्ज है, Cl में जो है निगेटिव चार्ज है, तो ये जो Cl है वो Na के साथ आकर के जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बन करके ये यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, O यहाँ पे बच गया और H यहाँ पे जो है वो बच गया। तो ये जो H है वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल। और यहाँ पे हम प्लस NaCl भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस NaCl लिख दिया है। तो यहाँ से जो NaCl है वो माइनस हो चुका है और यहाँ पे आपका फिनॉल जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो जुड़ा है ये आपका जो है वो बन जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टू स्टेप जो है वो देखा गाइस। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन सल्फोलिक एसिड का जो है वो NaOH के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो हमें सोडियम फिनेट जो है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद सोडियम फिनेट को जब हम डाइल्यूट HCl के साथ हम लोगों ने फिर से रिएक्शन कराया तो हमें जो है वो फिनॉल प्राप्त हुआ। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, स्टेप वन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ गलाने पर सोडियम फिनेट बनता है, ये सोडियम फिनेट बना। फिर स्टेप टू सोडियम फिनेट डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में फिनॉल देते हैं, इसके प्रेजेंस में जब हम इसे इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे फिनॉल मिल जाता है और NaCl जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हम देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त करेंगे। इतना ही अगर आप लिखोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका जो बहुत अंदर तक इसके मैकेनिज्म में आप मत जाना क्योंकि उसमें काफी आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो। तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो गाइस कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में जो कंबाइन होंगे, इतना भी अगर दर्शाते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड मेथड जिसमें हम फिनॉल प्राप्त करेंगे। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से। अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट का यूज करें तो हमें कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमने बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की जगह हम लोगों ने लिया है बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हो इसका बेंजीन में जो है वो Na(N)2 HSO4- जो है वो जुड़ा हुआ है, मतलब N2 में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और HSO4 में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो इसे हम कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम इसे इसके जली विलयन में जब हम इसे गर्म करते हैं, मतलब जब हम इसमें H2O जो है वो ऐड करते हैं तो क्या होगा। हमें पता है H2O जो है वो इसमें H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा गाइस, ये जो आपका H+ है और ये जो आपका HSO4 है, मतलब H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और HSO4 में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये जो H+ है इसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, H2SO4। यहाँ से H2SO4 जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो H2SO4 है इस हाइड्रोजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से H2SO4 जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो N2 है वो भी यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा और ये जो OH है इसके जगह पे आकर के जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। समझ आया आपको, यहाँ पे हम जब H2 यहाँ पे जब जली विलयन में जब इसे गर्म करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को, तो इसमें जो H+ है वो HSO4 के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे क्योंकि इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, H2SO4 आपका रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो N2 है वो भी यहाँ से रिलीज होगा और ये जो OH है इसके जगह पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या लिखना है आप लोगों को, बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के जली विलयन को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आपका सेकंड। अब देखते हैं हम लोग थर्ड, इसमें क्या कहा जाए, क्यूमिन से, फ्रॉम क्यूमिन। तो अब देखते हैं क्यूमिन से जो है वो कैसे हम जो फिनॉल है उसे बना सकते हैं, बट इसमें टू स्टेप को हमें जो है वो फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टेप में हम जो है वो क्यूमिन बनाएंगे, क्यूमिन बनाना हम पहले सीखेंगे, उसके बाद क्यूमिन से हम फिनॉल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या होगा, फ्रिडल क्रॉफ्ट विधि से क्यूमिन बनाया जाता है। बेंजीन और प्रोपीन को जब, और एक चीज और बता दूं, ये जो क्यूमिन है उसका निकनेम ये होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, हम इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रिडल क्रॉफ्ट मेथड से कैसे हम जो है वो क्यूमिन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है बेंजीन और इसका हम रिएक्शन करा देंगे प्रोपीन के साथ। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन का फॉर्मूला। जब हम इसे गर्म करते हैं H3PO4 के प्रेजेंस में,
H3PO4 के प्रेजेंस में जब हम इसे दोनों को गर्म करते हैं, बेंजीन और प्रोपीन का, तो जब हम इसे दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होगा H3PO4 के प्रेजेंस में? तो यहां से जो आप देख रहे हो H3PO4, यहां से एक H जो है वो यहां पे आ जाएगा, जिसे हम H+ जो है वो लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि H में जो है वो प्लस चार्ज जो है वो होता है। तो H+ जो है वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे जुड़ने के लिए इन लोगों के साथ। और ये जो आपका डबल बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और इस CH2 में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। और जब इस CH2 में निगेटिव चार्ज आता है तो ये जो H+ है और ये जो CH2- है वो दोनों आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं। इतना समझ आएगा इस? यहां से हम लोगों ने एक, देखिए मैं फिर से बता रही हूं, यहां से हम लोगों ने एक एच को जो है वो निकाला, क्योंकि हम जानते हैं उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम लोग इसे गर्म करते हैं बेंजीन और प्रोपीन को, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है और CH2 में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब क्या होगा, ये H+ आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH3। तो हमारा इस प्रकार से कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा CH3, CH और CH3, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है यहां से हट चुका है और यहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है। और ये जो CH है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो बॉन्ड है वो इस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहां पे आपका CH+ जो है वो आ जाएगा। इतना हुआ। अब ये जो CH+ है वो इस बेंजीन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा और उसके जगह में ये जो CH है वो आकर के जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से हमारा संरचना बन जाएगा क्यूमिन का। बस आपको सिंपली ये करना है, इसको पूरा उठा करके आपको बेंजीन के ऊपर जो है वो जोड़ देना है। यहां पे देख रहे हो CH, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है, यहां पे भी हम लोगों ने देखा। तो फाइनली हमारा बन गया क्यूमिन। बेंजीन का रिएक्शन हम लोगों ने प्रोपीन के साथ कराया H3PO4 के प्रेजेंस में, इसमें का H+ जो है वो इस CH2 के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ गया। ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, यहाँ पे CH में जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ का जो बेंजीन का आपका एक हाइड्रोजन है वहां से रिमूव हो गया और ये जो है वो बेंजीन के साथ आकर के जो है वो जुड़ गया और आपका बन गया क्यूमिन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, क्यूमिन से हम कैसे फिनॉल जो है वो बनाएंगे। अब हमारा फाइनली हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है क्यूमिन। अब हम आगे देखते हैं सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, हम कराएंगे क्यूमिन को ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो क्यूमिन जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो है वो प्राप्त हुआ था, अब हम इसका जो है वो ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीकरण जो है वो इसका कराएंगे 130 डिग्री सेल्सियस पे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम कराएंगे, मतलब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं, तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। ये जो दो ऑक्सीजन के जो है वो एटम देख रहे हो, तो ये जो दो ऑक्सीजन के एटम है वो इस सी और एच के बीच आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, समथिंग इस टाइप से COOH। कुछ नहीं करना है आपको, सी और एच के बीच दोनों एच को जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको और ये इस प्रकार से जो है वो बन जाएगा। इसे हम कहेंगे क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड। ये हुआ गाइस। उसके बाद हम देखते हैं इसका हम अम्लीय विदलन कराएंगे, मतलब एसिडिक क्लेवेज यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने H+ लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम जो है वो H+ के यूज से इसका जो है वो एसिडिक क्लेवेज कराएंगे। अम्लीय विदलन मतलब क्या होता है, देखिए ये जो CH3CCH3O है, इस बॉन्ड से जो है ये जो बॉन्ड है आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा जब हम इसका H+ के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो इतना है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है CH3CCH3O, ये जो है वो यहां से जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा एसीटोन, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, सी और ओ के बीच जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और आपका इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं CH3CCH3C और यहाँ पे ओ के साथ जो है वो डबल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं एसीटोन। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एसिडिक क्लेवेज में यहाँ पे जो बॉन्ड है उसे जो है ब्रेक करना है और इसे जो है वो इतना को जो है वो आपको अलग कर देना। अब हमारे पास क्या बचा, एचओ। एचओ जो है वो सीधा नीचे आ जाएगा क्योंकि ये यहां से जो है वो हट चुके हैं, तो एचओ जो है वो नीचे आ जाएगा और आपका बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल मतलब OH जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हुए, पहला तो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ, दूसरा हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। क्या लिखना है हमें, क्यूमिन का वायु द्वारा 130 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्यूमिन
हाइड्रो परोक्साइड हमें प्राप्त होता है, मतलब क्यूमिन का जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्यूमिन हाइड्रो परोक्साइड जो है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो H प्लस से एसिडिक क्लेवेज द्वारा फिनॉल और एसीटोन जो है वो देते हैं, जब इसका एसिडिक क्लेवेज हो गया H प्लस के प्रेजेंस में तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ और फिनॉल प्राप्त हुआ। तो ये हुआ गाइस आपका थर्ड रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्यूमिन से हम लोग कैसे फिनॉल जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए आगे का फोर्थ नंबर का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन से। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से हम कैसे फिनॉल प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, दो मिनट में आपको समझ आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, सीएल जो है वो बेंजीन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। जब हम NaOH के प्रेजेंस में जब इसे गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस का जो है वो प्रोसेस कराते हैं, जल अपघटन की क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपली कुछ नहीं होगा, ये जो Cl है वो इस Na के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। Na प्लस OH माइनस होता है, Cl में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, Na और Cl आपस में मिल करके जो है वो अलग हो जाते हैं और ये जो OH है वो इस बेंजीन रिंग के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं और आपका बन जाता है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन का हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब और उच्च ताप में NaOH के साथ जब हम इसका जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनॉल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस आपका फोर मेथड, अगर आप एग्जाम में इसका फोर मेथड भी लिखते हो तो काफी है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।